पेयर वाइज इंटग्रेशन, जिदा कि नाम तो जाहिर है कि ये आप जुड़े जुड़े करके पेयर पेयर करके इंटग्रेट कर रहे हैं। ये पिछे कह लो कि लॉजिक ये कि अपन कम अज़ कम स्टब्स ड्राइवर बनाने पैन, जो कोई मॉड्यूल दूसरे से डिपेंड करता उन्होंने जोड़ के पेयर बना के वो टेस्टिंग कर लीए। जिदा कह लो कि आन है ना अपने को आप सपोज कहने पेयर टेस्टिंग करनी, आप कहो पहले आह जोड़ा कर लिया, उठ के ये कोई होर सपोज कह लो कि आ जोड़ा ऐड करता, इस तरह आप जुड़े जुड़े इन्हों ऐड करना है। कह लो जिदा मैं दसिया ना सपोज पहले आप कर लिया जी इत आप डी ई डी तो जी मिला लगे हैं, तो उस तो बाद आप फिर अगले स्टैप अगले फेज में आप कह लो कि डी जी तो बाद ए सी ऐड करते, इस तरह इंटीग्रेट करते जाना। हम यदि एग्जाम्पल देखो कि जिदा यह है एग्जाम्पल है पेयर वाइज टेस्टिंग की ना, कि उन्हें ये हम जिदा आ है कि आ एक जोड़ा उन्हें कट्ठा लिया आ जोड़ा लै लिया, इस तो पेयर पेयर करके वो टेस्टिंग करते हैं। अच्छा इस तो बाद एक नैक्सट है टेस्टिंग की किस्म, उन्होंने कहें नेबरहुड इंटीग्रेशन। पिछले तो सर कि आप जस्ट पेयर लेंगे कि जस्ट टू कह लो कि मॉड्यूल्स में इकट्ठा करते, लेकिन नेबरहुड के है कि आप जिन्हें भी नेबर्स ने एक मॉड्यूल के वो सारे नेबर्स में इनवॉल्व कर लेना। तो तुम जानते हो कि नेबर्स दी हम कई किस्म होंगे, नेबर्स आप कि डिफाइन कर सकते हैं, वो कोई कहते हैं कि 40 घर हंसाया होंगे ने, लेकिन ये टेस्टिंग आप जस्ट नैक्सट होर नैक्सट नेबरहुड में आप लवेंगे नैक्सट डोर नेबरहुड में, मीनस कि जस्ट एक जो साथ वाला है ना वो अपना नेबर बनेगा। जिदा है ना सपोज आप कहें कि आप अपने को कह लो कि मॉड्यूल है ये आप नेबर फाइंड करने हैं, नैक्सट डोर नेबर तो कि होने जाने कि वो आएगा जिन्हें कनैक्टेड है इतना कनैक्टेड है इतना कनैक्टेड है। नैक्सट डोर नेबर आप इतने रेडियस 1 कह लें, सिमिलरली अगर रेडियस 2 हो तो वो नेबर वही आते हैं। हम इधर देखो सपोज आप मॉड्यूल ये नेबर कि एक नेबर आ है एक नेबर आ है, क्योंकि आप जस्ट एक रेडियस देखना है। सिमिलरली अगर आ देख रहे हैं ये नेबर किन्ने ने, ये नेबर 1 2 3 4 5 6 ये कह लो कि रेडियस 1 के लिहाज में नेबर ने। अगर आप रेडियस 2 कर दीए नेबरहुड का, मतलब कि दो घर नाल दे देखने है तो फिर ये फिर कि नेबर बन गए, ये एक आह सारे नेबर बन गए, बाकी नैक्सट आई बनेगा आई बनेगा आई बनेगा आई बनेगा आई बनेगा। ये जनाब जी नेबरहुड इंटीग्रेशन की कह लो कि डेफिनेशन है कि आप मॉड्यूल कोई भी मॉड्यूल रेंडमली पिक करना तो वो सारे नेबर फिर उन्हें इंटीग्रेट करने हैं, उस अगला मॉड्यूल पिक करना सारे नेबर ऐड करने हैं, इस तरह करते करते आप सारे मॉड्यूल ऐड कर लेना इंटीग्रेट कर लेना। तो नेबरहुड रेडियस 1 के लिहाज में एक टेबल बनया हुआ, ये आप करते हैं कि जिन्हें भी अपने को पिछले ग्राफ से मॉड्यूल्स उन्होंने लिस्ट इतने लिस्ट डाउन करता तो उन्होंने सीरियल नंबर असाइन करते हैं, तो अगे लिखता कि किसी भी एक मॉड्यूल के किन्ने नेबर ने, प्रीडेसेसर मतलब वो जो पेरेंट्स नेबर ने और चाइल्ड नेबर ने। हुण अगर पहला मॉड्यूल देखा जाए उन्होंने आप एक असाइन किया हुआ कि मॉड्यूल ने प्रीडेसेसर, यह प्रीडेसेसर कोई नहीं है इधर, लेकिन ये चाइल्ड है 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 चाइल्ड नेबर्स ने। सिमिलरली उस तो बाद मॉड्यूल नंबर 2 आ गया गैट डेट का, यद प्रीडेसेसर एक नेबर है तो 2 चाइल्ड नेबर आ गए 8 ते 9। गैट डेट किधर गया आ गैट डेट यदा प्रीडेसेसर आ एक नेबर है 2 चाइल्ड आह 1 ते 2 चाइल्ड नेबर ने। इस तरह कह लो कि आप करते हैं कि एक पूरा टेबल बना लिया, टेबल में आप नंबरिंग साइन करती है तो इस नंबर दे देखिए आप इधर नंबर फिल कर देंगे कि चाइल्ड है किदा कि पेरेंट है। तो हम जो अपने ट्री से ना नाम लिखे आप नाम जो सीरियल नंबर अपने साइन किए थे आह वो सीरियल नंबर रिप्लेस कर नावों तो अपने को ग्राफ आ जाता। हम इस ग्राफ तो आप एक टेबल बनाते जिन्होंने कहते एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जी एडजेसेंट चीज़ा ने
ਉਹਦੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਨੋਡਸ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਮਸਾਏ ਨੋਡਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਵਨ ਤੋਂ ਐਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਨ ਤੋਂ ਐਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ਹੈ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। 2 ਨੋਡ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਐਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਨੋਡ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਐਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ 8th ਅਤੇ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪਟੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। 3 ਨੋਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਜਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 9th ਨਾਲ, 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾ ਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 3 ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਐਡਜਸਟੈਂਸੀ ਮੈਟਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਮ ਆਫ ਕੋਲਮਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਦਾ ਸਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀ ਕੋਲਮ ਸਮਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਈਚ ਨੋਟ। ਕੋਲਮ ਸਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨੋਟ ਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਜੈਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਮ ਆਫ 4 ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਰਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕੋ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਖੋ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਡਿਗਰੀ, 7 ਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 3। 7 ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ 7 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, 15 ਆ 15 ਹੈਗਾ ਨਾ, 15 ਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 3 ਇੱਧਰ ਗਿਆ 15 ਆ 7 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 7 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਨਾ 7 ਨੂੰ 11 ਵੀ 7 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 12 ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ 15 ਦੇਖੋ, 15 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 15 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ 1, 2, 3 ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਆ ਰਿਹਾ, 15 ਵਿੱਚ 3 ਨੋਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਸਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ 1 ਦੀ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ, 1 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਅਤੇ ਇਹਦੀ 6 ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹਤੋਂ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿੰਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।